अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रमजान में कुछ ऐसे काम हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, यानी कि रमजान के महीने में ये काम बिल्कुल भी ना करें। तो वो काम कौन कौन से हैं, हर मुसलमान को, हर मर्द को, हर औरत को ये पता होना बहुत बहुत जरूरी है। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा आखिर तक देखते रहिए। और आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस माह मुबारक महीने में इस वीडियो को सवाब की नीयत से एक लाइक कर दीजिए। प्यारे दोस्तों, आपने जरूर महसूस किया होगा कि लम्हे आते हैं और चले जाते हैं, दिन आते हैं और गुजर जाते हैं, और यही हाल महीनों का है कि वो इंतजार नहीं करते बल्कि राही को अकेला छोड़कर आगे निकल जाते हैं। लेकिन उन महीनों में एक महीना रमजान का है जिसका एक एक दिन, एक एक लम्हा हर मुसलमान की जिंदगी में रहमत बनकर बरसता है और नेमतों का ढेर लगा देता है। यही वजह है कि इंसान मस्जिद की तरफ खींचा चला जाता है और शैतान के सब किए कराए पर पानी फेर देता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए यह महीना आम महीनों की तरह ही रहता है। उसकी वजह यह है कि इस महीने में खास हुक्म जो अल्लाह ताला के होते हैं उन पर अमल करना होता है, जैसे रोज़ा और तरावीह छोड़ दी जाए, और जिन चीज़ों से अल्लाह ने रोका है उन पर बने रहे, या जो लोग रोज़ा रख कर तरावीह पढ़ कर लेकिन उन तमाम गुनाहों से नहीं बचे रहते हैं जिनसे बचना चाहिए, और जिनसे बचे बगैर रोजे का मकसद हासिल ही नहीं हो सकता है। प्यारे दोस्तों, आप खुद देख ले, इस महीने में जो खाना हलाल था कुछ वक्त के लिए उसको भी हराम कर दिया गया, तो जो चीजें पहले से ही हराम है उनका तो अब डबल नुकसान होगा। तो यहाँ पर हम आपको एक काम बता रहे हैं, अगर आप उसका अहद कर ले तो यकीनन आप इस रमजान में इंकलाब ले आएंगे, और रोजे का जो असल मकसद है तकवा हासिल करना है, उसकी तरफ कदम आगे बढ़ा देंगे। पिछले महीने के मुकाबले इस महीने में तब्दीली महसूस करेंगे। वो काम ये है कि इस महीने में आप एक चीज तय कर ले कि इंशाल्लाह कोई गुनाह नहीं करूँगा। नंबर एक, वो गुनाह जो आँखों से होते हैं, जैसे बदनजरी करना, नामहरम को देखना, जिनको देखना शरीयत ने मना किया है, सामने हो या स्क्रीन पर हो, तो आप ये तय कर ले कि आँख गलत जगह नहीं जाएगी। नंबर दो, वो गुनाह जो कानों से होते हैं, जैसे कि गीबत सुनना, किसी के पीठ पीछे बुराई करना, और जो चीजें इस्लाम में हराम है उसको सुनना, तो ये आप तय कर ले कि कान से कुछ भी गलत बात नहीं सुनेंगे। नंबर तीन, वो गुनाह जो जुबान से होते हैं, जैसे गाली गलौज करना, झूठ बोलना, किसी की बेइज्जती करना, किसी को तकलीफ देने वाले जुमले कहना, झूठी कसम खाना, तो आप ये तय कर ले कि जुबान का कुछ गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। नंबर चार, वो गुनाह जो खाने से होते हैं, जैसे हराम का खाना, धोखा देकर या झूठ बोलकर जो कमाई हासिल की है वो हराम का है, सूद की कमाई हराम है, तो आप ये तय कर ले कि मुंह में हराम का लुकमा नहीं जाएगा। अगर आप पूरे महीने तमाम गुनाहों से बच गए तो मुबारक हो कि यह रमजान आपके लिए हश्र में अजाब से बचाने में मददगार साबित होगा। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस मुबारक महीने में गुनाहों से बचने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। प्यारे दोस्तों, रमजान के चांद को लेकर एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। काफी देर तक सऊदी अरब के अंदर बड़ी बड़ी दूरबीनों से रमजान का चांद देखने की कोशिश की गई, लेकिन रमजान का चांद नहीं दिखा, जिसके बाद सऊदी हुकूमत ने अनाउंस किया कि रोजा जुमेरात का होगा। आज 22 तारीख को सऊदी अरब के अंदर पहली तरावी होगी, पहली सहरी होगी और जुमेरात का पहला रोजा होगा। हमारे देश भारत के अंदर भी हो सकता है कि पहला रोजा जुमेरात के दिन हो जाए। अगर हमारे यहाँ 22 तारीख को चांद नजर आ जाता है तो इंशाल्लाह पहला रोजा जुमेरात के दिन होगा। वैसे ज्यादातर सऊदी अरब में हिंदुस्तान से एक दिन पहले ही चांद नजर आ जाता है, लेकिन हो सकता है कि इस बार पूरे वर्ल्ड में एक ही दिन से रोजा शुरू हो। फिलहाल कल यानी 21 मार्च की रात को सऊदी अरब में रमजान का चांद नजर नहीं आया है। अगर इस्लामी कैलेंडर की बात करें तो हमारे इंडिया में 23 मार्च को चांद रात है और जुमा के दिन 24 मार्च को पहला रोजा है, तो देखते हैं कि क्या आज यानी कि 22 मार्च को हमारे इंडिया में भी चांद नजर आएगा या आज सिर्फ सऊदी अरब में ही चांद नजर आएगा। दोस्तों, अगर चांद के हवाले से कोई खबर, कोई अपडेट हमें मिलती है तो हम इसी चैनल के ऊपर आपको अपडेट जरूर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि जब भी कोई अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मेरे दोस्तों, रमजान का महीना तो आने वाला है और इस बार मौसम काफी अच्छा है, बहुत खुशी हो रही है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें रमजान देखने को दिया और रमजान जैसे नियामत से हमें नवाजा, तो हम बहुत खुशकिस्मत है। हमें अल्लाह पाक ने रमजान का महीना दिखाया, हमारी जिंदगी में फिर एक रमजान आ रहा है।
तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इस रमजान में अल्लाह ताला की खूब भरपूर इबादत करें और खूब लोगों की मदद करें और जकात निकाले, सदका खैरात करें, अल्लाह ताला से दुआ मांगे, रोजे रखे, तरावी अदा करे। तो आप सभी को रमजान की अभी से बहुत बहुत मुबारक हो। प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर हमें रमजान के चांद के हवाले से कोई और नई खबर, कोई अपडेट मिलता है तो हम जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। तो हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।